फिर ना मिले, अपने आप हर बार रेंडमाइज हो जाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टाइम डॉट एच नाम की एडर फाइल और इंक्लूड करेंगे, और इनपुट जो है एस रेंड का वो टाइम दे देंगे। टाइम नल, टाइम एक फंक्शन है जो टाइम डॉट एच में डिफाइंड है, और नल उसमें एक पॉइंटर दिया है, जिससे अब टाइम जो है वो प्रजेंट कंप्यूटर टाइम है, सेकेंड्स मिनट्स और आवर्स, उससे एक रैंडम एक नंबर बना लेगा और वो नंबर इनपुट में दे देगा, जो हर सेकंड में वो नंबर चेंज हो जाएगा। यदि हम एक ही सेकंड में दो बार रन करेंगे तो हमें सेम आउटपुट वो रैंडम नंबर्स मिलेंगे, लेकिन जो ही कंप्यूटर के टाइम में सेकंड चेंज होती है या रैंडम नंबर्स के लिए इनपुट चेंज हो जाएगा, इनपुट चेंज होती है वो रैंडम नंबर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ हमने ए और बी दो इनपुट लिए हैं, दोनों इंटीजर हैं, वो इसलिए लिए हैं, ये ए और बी दो इस तरह के वेरिएबल लिए हैं, कई बार हमें रैंडम नंबर कंप्यूटर वाली लिमिट में नहीं है, हमारी लिमिट में चाहिए। जैसे हमें एक नंबर है 5, वहाँ से स्टार्ट होके 10 तक के रैंडम नंबर चाहिए, जहाँ 5 शामिल नहीं है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 ही रैंडम नंबर के रूप में आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक अपना मिनिमम डिसाइड करेंगे कि मिनिमम छोटे से छोटा रैंडम नंबर क्या है, तो वो है जैसे हमने 6, 7, 8, 9, 10 किया तो 6 है, और कितने रैंडम नंबर चाहिए तो 5 चाहिए, तो शिफ्टिंग वैल्यू हो गई 6 और स्केलिंग फैक्टर हो गया 5, और उस तरह से हम जो रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं वो जनरेट करके उसका शिफ्टिंग स्केलिंग फैक्टर के साथ रिमाइंडर लेंगे और शिफ्टिंग वैल्यू में ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें एक अपनी रिक्वायर्ड लिमिट में रैंडम नंबर मिल जाएगा। चेक करके देख लेते हैं, ये प्रोग्राम है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है, इसमें हमने टाइम डॉट एच को इंक्लूड किया है और बाद में आई एन ए बी को इंटीजर डिक्लेयर किया है, एक को शिफ्टिंग वैल्यू को रीड किया, स्केलिंग फैक्टर को रीड किया, एस रेंड फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद में n इक्वल टू ए प्लस रेंड परसेंटेज बी, रेंड परसेंटेज बी क्या करेगा, रेंड जो रैंडम नंबर आ रहा है उसमें b का भाग देकर जो रिमाइंडर बचेगा शेष पलाएगा वो बना देगा, और उसको a में ऐड कर देंगे और फिर n को प्रिंट कर देंगे। चेक करके देखते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, रन करें तो रन में हम जैसे इनपुट देते हैं शिफ्टिंग वैल्यू 6 और स्केलिंग फैक्टर 5, तो हमें कुछ नंबर्स मिले हैं 8, 7, 6, 8, 10, 9, 7, 8, 7, 10, सारे नंबर्स 6 to 10 हैं। हम कुछ फिर से वही नंबर देते हैं 6 and 5, इस बार नंबर्स चेंज हो गए 9, 7, 8, 10, 10, 8, 10, 8, 8, ये रैंडम नंबर चेंज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इनपुट में टाइम का पैरामीटर चेंज हो गया था, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं। यहाँ हम कुछ और नंबर देख के देखें, जैसे 0 and 100, तो हमें 0 से 100 के बीच के रैंडम नंबर्स मिलेंगे। 0 शिफ्टिंग फैक्टर है, 100 स्केलिंग फैक्टर है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें रैंडम नंबर्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम देखें तो जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है वो रैंड नंबर को स्केल और शिफ्ट की से प्रोड्यूस हो रही है, तो हम जो रेंज चाहते हैं, स्पेसिफिक रेंज हम चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें रैंडम नंबर मिल जाते हैं। और यहाँ रैंडमाइज जो हो रहा है वो बिना किसी इनपुट सीड के हो रहा है, हमें इनपुट में कुछ नहीं चाहिए, ये टाइम से ऑटोमेटिकली सीड ले रहा है। तो जो जनरल इक्वेशन होती है स्केलिंग एंड शिफ्टिंग के लिए रैंडम नंबर्स को, वो ये है n इक्वल टू ए प्लस रेंड परसेंटेज बी। यहाँ ए शिफ्टिंग वैल्यू है, पहला नंबर जो अपनी रेंज में हम जो इंटीजर्स की रेंज में हम जनरेट करना चाहते हैं, और बी स्केलिंग फैक्टर है, मतलब वो विड्थ नंबर्स की वो चौड़ाई जिसमें हम नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो अब हम पहले ये कमेंट है ये देखते हैं। तो कमेंट ये है, शिफ्टिंग स्केल्ड रैंडम नंबर रैंडम इंटीजर्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 प्लस रेंड परसेंटेज 6। 1 प्लस रेंड परसेंटेज 6 से कौन से रैंडम नंबर जनरेट होते हैं,
वो प्रिंट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया, 1 से 20 तक एक लूप लगाया और उसमें लिख दिया परसेंटेज 1% 10D, मतलब 10 डिजिट में इंटीजर प्रिंट होना, और कौन सा प्रिंट होना है, 1 plus rand% 6, और हर 5वां नंबर प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन प्रिंट हो जाए। तो हम 1 plus rand% 6 से जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, मतलब इनमें स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और विड्थ 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से रैंडम नंबर आना चाहिए। हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन, तो ये नंबर आए हैं 2 5 4 2 6 2 5 1 4 2 3 2 3 2 6 5 1 1 5 5, मतलब ये 1 2 6, 1 2 3 4 5 6 में से रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो पिछला एग्जांपल हमने लिया उसी तरह से 1 plus rand% 6 जनरेट कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 5, फ्रीक्वेंसी 6, और उन सबको इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, मतलब उनकी इनिशियल वैल्यू 0 हो गई है। फिर हमने फेस और रोल नाम से 2 इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं। रोल मतलब हम उनको कितनी बार, एक डाई लिया उसको रोल कर रहे हैं, मतलब एक हमने क्यूब लिया है, एक घन लिया है जिसके 6 फलक हैं, हर फलक पे कोई नंबर लिखा है और वो नंबर 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक है। उस क्यूब को, उस वर्ग को हम उछाल, उस घन को हम उछालते हैं तो रैंडमली कोई भी 1 2 3 4 5 6 में से हमें देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, उसी तरह का हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो हमें वही काम करके दे। और हम कितनी बार रोल कर रहे हैं, तो हम 6 मिलियन, मतलब 60 लाख बार इसको रोल कर रहे हैं, तो हर नंबर लगभग 10 लाख बार आना चाहिए, 1 मिलियन टाइम्स आना चाहिए। रियल लाइफ में इतना रोल करना आसान नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में हम ये कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप, रोल है वो एक काउंटर वेरिएबल है जिसपे हम लूप लगा रहे हैं, जो लूप 6 मिलियन टाइम्स, मतलब 60 लाख बार चलेगा, हर बार एक वो रैंडम नंबर 1 2 6 1 2 3 4 5 6 में से जनरेट करेगा और वो वैल्यू फेस को असाइन कर देगा। फिर हम एक स्विच केस फंक्शन काम में ले रहे हैं जिसमें फेस जो वैल्यू, वो जो 1 से 6 कोई वैल्यू इनपुट आई है उसको स्विच के इनपुट के रूप में देते हैं। वो वैल्यू यदि 1 है तो फ्रीक्वेंसी 1 में एक ऐड कर लेते हैं, वो वैल्यू 2 है तो फ्रीक्वेंसी 2 में ऐड कर लेते हैं, 3 है तो फ्रीक्वेंसी 3 में, 4 है तो फ्रीक्वेंसी 4 में, 5 है तो फ्रीक्वेंसी 5 में, और 6 है तो फ्रीक्वेंसी 6 में एक ऐड कर लेते हैं, मतलब वो नंबर कितनी बार जनरेट हुआ है, फ्रीक्वेंसी उतनी बार इंक्रीज हो गई है। वो एक, यदि एक 10 लाख बार आया तो फ्रीक्वेंसी 1 की वैल्यू 10 लाख हो जाएगी, एक यदि 5 यदि 10 लाख बार आया है तो फ्रीक्वेंसी 5 की वैल्यू 10 लाख हो जाएगी। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 5 एंड फ्रीक्वेंसी 6 को प्रिंट कर रहे हैं। हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है, रन किया तो ये रन भी हो गया है। जूम करके देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पर लगभग 1 है वो 10,346 बार आया, 2 10,334, 3 10,819, 4 है वो 999,144, 5 999,912 और 6 999,449, ये इनकी फ्रीक्वेंसी रही है।